वेलकम गाइज, आर यू एचएसएम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर यू एचएस का जो एंट्रेंस एग्जाम है, बीएस नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो या फिर फार्मेसी का हो, बीपीटी का हो, आपको आर यू एचएस के एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबरों की रिक्वायरमेंट होती है, कितने नंबर आपको लाने होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये काफ़ी सारे स्टूडेंटों का सवाल था और होना भी चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन कर सको, अपनी तैयारी कर सको। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो तैयारी तो आपकी वैसे भी हो रही होगी। सो बात हम कर लेते हैं, हमारे पास पिछले जितने भी सालों से एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उनकी कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल है। 2021 की भी है, 2020 की भी है, 2019 की भी, 18 के भी कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल है। और हाँ, 2022 में क्या रहने वाली है, ठीक है, 2022 में आपकी क्या रहने वाली है उसको भी चेकआउट हम कर लेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट तो 2022 में आएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा। सो जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपके पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं, फार्मेसी के हो चुके हैं, ठीक है, और ऐसे में अभी बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना अभी बकाया है। बट उसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे कि बीएस नर्सिंग के कट ऑफ यानी कि बीएस नर्सिंग में पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अलग अलग जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके कट ऑफ हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कट ऑफ। सो गाइस, पहले मैं आपको पिछले सालों की कट ऑफ दिखा देता हूँ, ठीक है, आर यू एच एस एंट्रेंस एग्ज़ाम की पिछले सालों की कट ऑफ क्या रही थी, है ना, वो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, कि पिछले साल कितने नंबरों वालों का सिलेक्शन हो गया था। स्क्रॉल डाउन हम कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आर यू एच एस में जेंडर का बहुत फ़र्क है, जेंडर का बहुत फ़र्क है, जेंडर से इनके कट ऑफ में भी डिफरेंट होता है, इसलिए अलग अलग देखना पड़ता है कि मेल का क्या रहेगा, फीमेल का कितना रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, मेल फीमेल का यहाँ पर कट ऑफ में डिफरेंट होता है और कैटेगरी का भी यहाँ पर डिफरेंट होता है कि आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो या फिर एसटी से हो, ये इसको इफ़ेक्ट करते हैं आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं कि पिछले साल जो जनरल कैटेगरी के जो पुरुष है उनका क्या रहा था, उनका रहा था 55 के अराउंड। जी हाँ बिल्कुल, ये उन कॉलेजेस की बात है जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ये एसएमएस की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एसएमएस की बात हम अलग से करेंगे कि आपको एसएमएस जयपुर वाला चाहिए तो इसके लिए कितने नंबर लाने होंगे, इसमें इंक्लूड नहीं है। ये जो कट ऑफ है ना, ये एसएमएस को छोड़कर रखी गई है ना, उनकी कट ऑफ है ये। सो यहाँ पर पिछले साल तो 56-57 तक इन्हें यहाँ तक सिलेक्शन हो गया था गाइज, और जो फीमेल थी उनका जो थर्ड राउंड तक 54 तक हो गया था, 51-54, ठीक है, जिनके अच्छे नंबर थे जैसे कि 62-63-65 उनका तो फर्स्ट काउंसलिंग में हो गया था। सो आपको ये नहीं सोचना कि हाँ हम इतने से नंबर ले आए हमारा भी हो जाएगा, ये उनका ही जो थोड़े थोड़े मतलब बच गए थोड़े से, ठीक है, नहीं तो इनको नहीं भी लिया जाता, थर्ड काउंसलिंग में जाके हुआ था इनका, जिनके 53 है 54 है ना, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है 2022 वालों को। ओके, सो जनरल फीमेल की रही थी 53, एक दो नंबर का फ़र्क है। अब जनरल मेल EWS, जिनके पास EWS सेट पैकेट है यानी कि जो इकोनॉमिकल वीक होते हैं यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनका 50 के अराउंड रहा था, है ना, और जो फीमेल थी उनका 49 के अराउंड रहा था, कितना डिफरेंट है। तो यहाँ पर EWS अगर आपके पास है तो 10% का इसमें आपको छूट मिलती है, याद रखना इस बात को, तभी तो हम बार बार बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, बिकॉज इस कैटेगरी से, इस रास्ते से हम पहले गुजर चुके हैं तो हमें तो हर एक चीज़ का पता है ना। OBC की बात करें तो OBC का 52-54 रहा था, ठीक है, और फीमेल की बात करें तो उनका तो 49-48 भी मान सकते हो आप, हो गया था इतने तक, ठीक है, फीमेल को क्योंकि इसमें छूट दी जाती है, अगर फीमेल फिर उपलब्ध नहीं होती ना तो फिर मेल को लिया जाता है, ऐसा रहता है इसमें। अब EWS 10% का इसको आरक्षण मिला तो 48 तक चला गया, फीमेल में देखो 46 तक चला गया, है ना, तो ये पिछले सालों के कट ऑफ है गाइज। अब 2022 की क्या रहेगी आप सुन के हैरान रह जाओगे, बिल्कुल सही बोला, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो हमसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर MBC देखो 47 गई है, MBC फीमेल की 45 गई है, ST की देख लो
44, इनकी कमी जाती है एसटी और एससी में सबसे कम कट ऑफ जाती है। ये देख लो फीमेल की 40 तक की हो गया था, ठीक है, और एससी में देख लो और कम है। एससी में मेल का 43 तक हो गया था पिछली बार, और एससी फीमेल का 39 तक हो गया था, आराम से हो गया था, ठीक है। और एसटी में जो आते हैं उनका 35 तक हो गया था। अगर इनके पास ईडब्ल्यूएस होता तो और भी कम आप मान सकते हो, बट गाइज ज़्यादा कट ऑफ जाती है जनरल ओबीसी, ठीक है, और जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना है। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी जो 2022 में कट ऑफ जाएगी तो उसके लिए भी कम से कम हमें इतने नंबर चाहिए क्या, इससे तो कई गुना आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आपने सुना है सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए अभी 2022 में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनके टाइम पे तो 10-10 हज़ार, 9-9 हज़ार, 8-8 हज़ार फॉर्म भरते थे। 2020 में भी बहुत कम फॉर्म भरे, ठीक है, और 19 में भी कट ऑफ ऑलमोस्ट यही गई थी, और 18 में भी ऑलमोस्ट यही गई थी, क्यों फॉर्म सेम जा रहे थे, पेपर भी लेवल वही था। बट अभी क्या हुआ 2022 में आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फॉर्म डबल हो गए ऐसा मानो आप, यानी कि अप्लाई करने वालों की संख्या डबल हो गई है। तो इधर भी आप देख लो कि अब 2022 में कम से कम यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली ना आपकी जनरल मेल की, अगर हम बात करें तो अब ये आपकी 2022 में ये ना रह के आपकी कट ऑफ रह सकती है गाइज, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता रहे 66-68। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि सब पढ़ने लगे, कंपटीशन हाई हो गया है, नीट के स्टूडेंट भी इसमें आने लग गए, तो इतना तो आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि अब आपको इतना सा नंबर लाना ही होगा। अब आप बोलेंगे सर पैरामेडिकल के लिए क्या कट ऑफ है, तो पैरामेडिकल में तो कट ऑफ कमी जाती है, वैसे भी फार्मेसी में भी कट ऑफ कमी जाती है, अगर आपके 50% अंक आ गए तो आपका पैरामेडिकल में वैसे सिलेक्शन हो जाएगा, 50% भी आ गए ना, तो अगर आपको आराम से सिलेक्शन चाहिए तो 55 वालों का हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बीएससी नर्सिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं फॉर्म, तो इनकी अगर हम बात करें तो कम से कम आपको सिलेक्शन के लिए 65 नंबर चाहिए जनरल वालों को, 65 तो आपको लाना ही है 100 में से। अब आप बोलेंगे सर कैसे लाएंगे, तो हम तैयारी करवा रहे हैं ना, अगर हमारे एम्स को आपको बराबर आ रहे ना पूरा का पूरा, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी वैसे एम सी क्यू जाएंगे और बहुत सारे तो आपको डायरेक्ट देखने को भी मिल जाएंगे कि हाँ वो सर ने पढ़ाया था तो वही है, टिक लगाओ, आपका टाइम भी बच गया, नंबर भी आ गए, अरे ये तो सर ने बताया था वही आ गया, टिक लगाओ, तो टाइम बचता है, ऐसे एम सी क्यूज की प्रैक्टिस इसलिए हम करवाते हैं, है ना, एम सी क्यूज की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर फीमेल की 64 रह जाएगी, एक दो नंबर कम कर लो आप। ओ बी सी की बात करें 2022 में कि कितने नंबर लाने होंगे, तो ओ बी सी वालों को भी 63 के अभाव लाने होंगे, क्योंकि जनरल ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक दो नंबर का फर्क आता है। अब 2022 में अलर्ट हो जाना है आपको, ये कट ऑफ ये तो बहुत लो है इसके तुलना में, तो आपको 60 के अभाव ही सोच के चलना है कि हाँ हमें 60 के अभाव क्वेश्चन करने 100 में से, तब जाके आपको कॉलेज मिल पाएगा। अगर जयपुर वाले एसएमएस की बात करें, एसएमएस जयपुर की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो 85+ आपको लाने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 2020 में इनमें 75 ऐसे अराउंड हुआ था, 75 वालों का, 78 वालों का, तो इस बार तो आपको 85 के अराउंड नंबर लाने होंगे, तब जाके आपको मिल पाएगा। चलो पिछले सालों का रिजल्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइस जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रिजल्ट है बीएस नर्सिंग का, देख लो आरओएचएस बीएस नर्सिंग का पिछले साल का 2021 का, ठीक है, तो इससे क्या सीख रहे हो आप, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेज है ये वाला, ये फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसे 269 पेज है, 269 पेज है टोटल, तो अभी जो फर्स्ट पेज है इसमें कितने का सिलेक्शन मानते हो आप, कितने का मानते हो देखो आप, हम मैं आपको दिखाता हूँ ये जो फर्स्ट पेज है, और ये अल्फा बीटा में अरेंज किया हुआ है, तो आपके रोल नंबर इसमें दिए होते हैं, आपका कैंडिडेट का नाम और फादर्स का नेम दिया होता है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो इनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, किसी का नहीं हो रहा यहाँ पे, तो इनमें तो पूरे में आप ऐसे खींच सकते हो, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ इसका ज़रूर हो रहा है, 60 वाले का, एक पेज में से देख लो आप, एक का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ, और किसी का भी नहीं हो रहा, दो का हो रहा है, एक और ये रहा। अब आप अनुमान लगा सकते हो, अभी ये जो हमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट ऐसे आता है आपका बीएस नर्सिंग का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया, अब ये एक पेज में देख लो कितने सारे स्टूडेंट हैं, 52 में से ओनली 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इस पेज में, इस पेज की हम बात कर रहे हैं गाइज, 52 में से 2 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी के 50 तो ऐसे ही है, देख लो अब कितना इसमें भी देख लो कितना वो आ रहा है, 52 में से ओनली 2 का सिलेक्शन एक पेज में, दूसरे पेज में देख लो इसी प्रकार,
इसमें भी किसी का सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे, इसका किसका भी नहीं है यहाँ पर जो 55 दिख रहा है, 44 दिख रहा है, क्योंकि कैटेगरी देखो इनकी, कोई शर्मा है, कोई सैनी है, तो ये जनरल ओबीसी है, ठीक है। इसी में दूसरे पेज में तो ऑलमोस्ट ये 55 का अगर ये कौन है पारिक, तो शायद 55 पे इनका फर्स्ट में तो नहीं हो पाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग में। अब इसमें भी देख लो एक का हो रहा है, इसे मान सकते हो आप। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको अवेयर होना चाहिए, और जो हम तैयारी करवा रहे हैं ना उसको फॉलो करना चाहिए गाइज। सो गाइज आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, जो कि आपने जेक्यूलोन जॉब चैनल को फॉलो कर रखा है तो आपका वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन हम अवेलेबल करवा रहे हैं, और जो स्टूडेंट इनको देख रहा है उनका सिलेक्शन तो पक्का है, क्योंकि ऐसे MCQs आपको देखने को मिलेंगे, और हम यहाँ पर जितना हो सके अच्छे अच्छे MCQs आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको रोजाना MCQs मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 65 प्लस अंक लाने होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा गाइस। 65 के तो अभाव आपको लाने ही होंगे, और वो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो।